रे और उसकी पत्नी ग्लैन के पास ऑस्कर नाम का एक डॉग था जो रे और उसकी पत्नी ग्लैन के अलावा सभी पर भौंकता था। उन दोनों ने एक पार्टी आयोजित की। उस पार्टी में आने वाले हर मेहमान पर ऑस्कर लगातार भौंक रहा था। उसका पड़ोसी अभी इससे चिढ़ जाता है और वह रे के साथ बहस करता है। अगले दिन रे की हत्या हो जाती है। उसकी पड़ोसियों को जोर की आवाज़ और उसके बाद पिस्तौल चलने की गूंज सुनाई देती है। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि ऑस्कर पार्टी में आने वाला सभी मेहमानों पर भौंक रहा था। मेहुल संदिग्धों से पूछताछ करता है। रे की पत्नी कहती है, मैं आज सुबह बाहर गई थी इसीलिए मुझे कुछ नहीं पता। अभी कहता है, मुझे सुबह से रे की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी तथा उसके बाद मुझे बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी रे के साथ लड़ाई ज़रूर हुई थी परंतु मैंने उसकी हत्या नहीं की। क्या लगता है आपको इन दोनों में से हत्यारा कौन है, अभी या ग्लैन? तो सही उत्तर है ग्लैन। पड़ोसियों ने रे की आवाज़ और बंदूक चलने की आवाज़ ही सुनी थी, ऑस्कर की भौंकने की नहीं। अगर नया व्यक्ति होता तो ऑस्कर की भौंकने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती।